वेलकम यू ऑल टू लॉ सिक् सो दिस वीक इन आर लीगल एस सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लक्षद्वीप इश्यू एंड व्हाई आर द आइलैंडर्स प्रोटेस्टिंग अगेन द रीसेंट लॉ रिफॉर्म्स तो आज हम लक्षद्वीप में जो कंप्लीट इंसिडेंट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे कुछ लॉ रिफॉर्म्स लाए गए हैं जिसको देखते हुए वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं ये इसका काफी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं साथ ही साथ हमें कई अलग अलग तरीके से जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग मीडियम से पता चल रहा है कि यहाँ पर एक पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है इस लॉ रिफॉर्म्स को लेकर तो ट्विटर पर अगर हम देखें तो हैश सेव लक्षदीप से आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है उसके साथ में अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर भी हमें ये को मिल रहा है तो क्या है ये पूरा इश्यू हम जानेंगे इस आइलैंड के बारे में लक्षद्वीप यूनियन प्रदेश है तो इनमें से 36 जो यहाँ पे आइलैंड्स है उन सारे आइलैंड्स पे लोग रहते भी नहीं है केवल दस ही ऐसे आइलैंड्स है यहाँ पर जो कि इनहेबिटेंट है मतलब जहां पर लोग रहते हैं अब बात आती है कि इंडिया का क्या ये पहले से हिस्सा था हाँ ये इंडिया का पहले से हिस्सा था जब मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उसमें जो मलबार डिस्ट्रिक्ट था उसी का इसे पार्ट माना जाता था उसके बाद में जब केरला का फॉर्मेशन हुआ 1956 में उसके बाद में लक्षदीप को एज ए यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला अब यहाँ पर ये यह बहुत जरूरी है कि केरला में भी लक्षद्वीप का जो पूरा इशू है उसको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट केरला में भी देखने को मिल रहा है तो केरला का तो ये पार्ट अभी है भी नहीं लेकिन हिस्टोरिकली जैसे केरला का ये पार्ट रहा है उसके बाद में अगर हम देखें मैप में तो केरला के काफ़ी ज़्यादा पास है लक्षद्वीप तो जो भी असेंशियल चीज़ें रहती है ये सारी लक्षद्वीप को केरला से ही सप्लाई होती है उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लक्षद्वीप की अगर हम प्राइमरी लैंग्वेज देखें यहाँ की अगर प्रिंसिपल लैंग्वेज अगर हम देखें तो वो है मलयाली और उसके अलावा द्वीप भाषा और महल जो कि मलयालम के ही डायलैक्ट्स माने जाते हैं वो यहाँ की मेन लैंग्वेज है तो भाषा के इससे भी केरला से काफी लक्षद्वीप जुड़ा हुआ है अगर हम एरिया के हिसाब से देखें रीजन के हिसाब से देखें तो केरला को तो लक्षद्वीप को तो पहले केरला का ही हिस्सा माना जाता था अब बात आती है यहाँ की डेमोग्राफी की अगर यहाँ की डेमोग्राफी अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है करीब 95 फाइव टू नाइनटी परसेंट जो पॉपुलेशन है ये शेड्यूल ट्राइब है मतलब आदिवासी जनसंख्या यहाँ पर रिलीजियस के हिसाब से देखें तो यहां पर 96.6 जो परसेंट पॉपुलेशन है ये मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करती है करीब तीन प्रतिशत के आसपास थ्री परसेंट के आसपास हिंदू पॉपुलेशन है और बाकी बाकी अदर यहां पर रिलीज है तो बात यह आती है कि कौन से लॉ रिफॉर्म्स से जिसको देखते हुए इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है हमें लक्षद्वीप में तो चार मेन रेगुलेशन और एक्ट यहाँ पर लाए गए हैं सबसे पहला है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट जिसे गुंडा एक्ट भी कहते हैं थर्ड है पंचायत रेगुलेशन 2021 और फोर्थ है एनिमल प्रोटेक्शन के लिए लाया गया लक्षद्वीप एनिमल प्रोटेक्शन रेगुलेशन तो ये चार मेन जो लॉज लाए गए हैं लॉ रिफॉर्म्स के नाम पर इनको ही देखते हुए इनका ही काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है है उसके अलावा भी एक दो पॉइंट जिनका हम डिस्कशन करेंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहला जो लॉ है ये लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है लक्षद्वीप के लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है यूनियन टेरिटरी में जो सी यहाँ पर या तो गवर्नर नहीं होते तो उनकी जगह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और कुछ टेरिटरीज में एन, आ, कुछ यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं तो लक्षद्वीप एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक है यहाँ पर कोई एलजी नहीं होते हैं ना ही लक्षद्वीप की अपनी कोई असेंबली है जैसे पाण्डिचेरी और दिल्ली में हमें देखने को मिलता है तो जो लैंड एक्विजिशन पावर है गवर्नमेंट की यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर की उसको देखते हुए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल के पटेल उन्हीं के द्वारा ये लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 लाया गया है शॉर्ट में एल हम इसे कहेंगे तो यहाँ पर ये पावर देता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि कोई भी डेवलपमेंट पर्पस के लिए या टाउन प्लानिंग पर्पस के लिए वो लोकल रेसिडेंट को किसी भी आई लैंडर्स को यहाँ पर रिमूव या रीलोकेट कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी से इसी को देखते हुए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट है उनका कहना यह है कि जब आप इतना इंपॉर्टेंट लॉ लेकर आए ठीक है डेवलपमेंट के बाद अपने आप में सही है टाउन प्लानिंग के बाद अपने आप में सही है लेकिन इसमें जो पावर मिला हुआ है कि लोकल रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा रिलोकेट कर दिया जाएगा उनकी प्रॉपर्टी से तो आप ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं वो भी विदाउट कंसल्टेशन एक बार हमसे कंसल्ट कर लेते लोकल रेसिडेंट से बात कर लेते तो यहाँ पर आप विदाउट कंसल्टेशन लेकर आ गए हैं इसलिए हम इसका विरोध करते हैं हम प्रोटेस्ट करते हैं उसके बाद इनका ये भी कहना है कि अब जैसे अगर हम लक्षद्वीप देखें तो लक्षद्वीप अपने आप में एक आइलैंड है यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड है प्राइमरी सेक्टर के लिए यहाँ पे फिशरीज है मतलब मत्स्य पालन है तो बहुत सारे जो हाउस होल्ड या जो स्मॉल लैंड होल्डिंग है ये हमको सी के आसपास देखने को मिलती है अब मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो लोग हैं वो आदिवासी है जो कि यहाँ पे पहले से ले रह रहे हैं तो लंबे समय से ये जो अपना प्रोफेशन चलाते आ रहे हैं वही इनका प्रोफेशन चल रहा है तो इनकी काफी स्मॉल होल्डिंग है एस रेसिडेंट्स की यहाँ पर तो एक डर इन्हें ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये जो शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग्स है उसको यहाँ से हटा देगा मतलब उनकी लैंड से उनके से उनकी जो लाइवलीहुड है उससे हाथ धो बैठेंगे ये भी एक डर लोकल रेसिडेंट्स के अंदर है, जिसको देखते हुए प्रोटेस्ट हो रहा है उसके अलावा इनका यह भी बोलना है कि यहाँ की जो इकोलॉजी है अगर यहाँ पे आप डेवलपमेंट करते हैं अनचेक्ड डेवलपमेंट होता है यहाँ पे टाउन प्लानिंग है विदाउट इन्वायरमेंट असेसमेंट तो हमारी इकोलॉजी जो है हमारे आइलैंड की वो अपने आप में डिस्टर्ब हो सकती है और इकोलॉजी अगर डिस्टर्ब होंगी तो जैसे इनका प्राइमरी इनकम सोर्स जो फिशरीज पे डिपेंड करता है जो प्राइमरी सोर्सेज पे डिपेंड करता है वो अपने आप में खतरे में आ जाएगा वो अपने आप में डेंजर में आ जाएगा तो ये सबसे पहला पॉइंट रहा लैंड एक्विजिशन पावर से रिलेटेड जो दूसरा पॉइंट है वो है एंटी गुंडा रेगुलेशन एंटी गुंडा रेगुलेशन में यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज जो एंटी सोशल एक्टिविटीज रहती है उनके प्रिवेंशन के लिए ये रेगुलेशन लाया गया है तो यहाँ पे बात की गई है कि किसी भी पर्सन को डिटेन करने की पावर एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आ जाएंगी फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि विदाउट रीजन बताए वो आपको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए डिटेन कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लगता है कि कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हुई है आपकी तरफ से तो यहाँ पे सिक्स मंथ से लेकर वन ईयर तक आपको डिटेन कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये डिटेंशन विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है तो यहां पर ये एक अनचेक्ड पावर है इसी को देखते हुए प्रोटेस्ट हो रहा है इनका कहना ये है कि हमारा कोई जो टेरिटरी है ये कोई ऐसा स्टेट या ऐसी सिटी या ऐसा यूनियन टेरिटरी नहीं है जहां पे बहुत ज्यादा क्राइम है इवन अगर आप यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट में अगर देखें तो लक्षद्वीप वो यूनियन टेरिटरी है जहां पे अपने आप में लोवेस्ट क्राइम रेट्स है तो आप ऐसा एक्ट अपने आप में क्यों ऐसा लॉ अपने आप में क्यों लेकर आ गए हैं इसके अलावा काउ स्लॉटर और बीफ की बात करें तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे जो पॉपुलेशन है एस कम्युनिटी uh, को बिलोंग करती है मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है इनका अगर लंबे समय से हम uh, अगर ईटिंग हैबिट्स देखें तो नॉन वेज पर काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं क्योंकि मेनली लैंड इंडिया में नहीं है कृषि नहीं होती है यहाँ पर तो उसी को देखते हुए uh, यहाँ पर इनकी ईटिंग हैबिट्स में हमेशा नॉनवेज रहा है अब एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलते हुए लॉ लेकर आई है कि हम जो स्लॉटर है काउ काफ बुल और बफेलो का इसको हम स्लॉटर को हम बैन करेंगे आप विदाउट सर्टिफिकेट आप स्लॉटर कर ही नहीं सकते हैं साथ ही बीफ और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आप सेल नहीं कर सकते हैं आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते आप और उनका स्टोरेज भी नहीं कर सकते हैं अब इंडिया के कई स्टेट्स में कई जगह यहाँ पर हमको बीफ पर बैन मिल देखने को मिलता है काउ बफेलो इनके स्लॉटर पर बैन देखने को मिलता है इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जो कंट्री है ये प्राइमरी लेवल पे अगर हम देखें तो ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है आज भी जो हमारी पॉपुलेशन 50% परसेंट से ज़्यादा पॉपुलेशन ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज़ है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए जो एनिमल हैं उनका काउंट कम ना हो इसके लिए स्लॉटर पर बैन लाया गया है इसके पीछे ये एक रीज़न है एक लॉजिकल रीज़न इसके पीछे ये है अब यही अगर प्रिंसिपल आप लक्षद्वीप जैसे आइलैंड पे अगर अप्लाई करेंगे तो अपने आप में वो उतना जस्टिफाइड नहीं होता ये बोलना है रेसिडेंट्स का साथ ही साथ रेसिडेंट्स का ये भी बोलना है कि लंबे समय से हमारे कल्चर जो है ईटिंग हैबिट्स जो है आपको उसके बारे में पता नहीं है और अगर आप ऐसा लॉ लाते हो तो ये हमारे कल्चर और ईटिंग हैबिट का एक इन्फ्रिंचमेंट है मतलब आप हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है आप कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे हमारे कल्चर को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपने एक भी बार इसका भी कंसल्टेशन लोकल बॉडी से भी नहीं करा इवन जो इलेक्टेड लोकल बॉडीज पंचायत जो है उससे भी आपने कंसल्टेशन नहीं किया हुआ है अगला जो रिफॉर्म है ये है टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जैसे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्टेट्स में जो पंचायत है वहां पर अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपके दो बच्चों से ज्यादा दो चाइल्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए यही चीज जो है वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने लक्षद्वीप में भी अप्लाई करने का सोचा है कि यहां पर ग्राम पंचायत इलेक्शन अगर आपको लड़ना है तो आपके दो से ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए और अगर एग्जिस्टिंग में अगर आपके दो बच्चे हैं तो ठीक है आप लड़ सकते हैं लेकिन जो हमने डेट सेट करी उसके बाद में अगर आपका कोई भी चाइल्ड होता है और आपके बच्चों का अकाउंट जो है वो दो से ज्यादा हो जाता है तो भी आप डिस्कालीफाई हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने से लेकर अब यहाँ पर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं एनसीपी के यहाँ से एन सी यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जैसे मैंने बताया लेजिस्लेटिव असेंबली तो यहाँ पे होती नहीं है लेकिन यहाँ पे पंचायत है ग्राम पंचायत है द्वीप पंचायत जिसे कहते हैं वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो कांग्रेस की है तो इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पर इस मोटिव को

तो अगर हम प्रेजेंट में देखें तो लक्षद्वीप में केवल बनग्राम आइलैंड जो है यहाँ पर एक रिसोर्ट है केवल उसी में लीकर सर्व की जाती है मतलब अगर प्रेजेंट लॉ अगर हम देखें तो केवल ऐसे ही आइलैंड में लीकर सर्व की जा सकती है ऐसे आइलैंड के रिसोर्ट्स में लीकर सर्व की जा सकती है जहां पर कोई लोग नहीं रह रहे लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कह रहा कहा है कि हम अभी उन आइलैंड में भी लीकर अलाउ करेंगे जो कि जहां पर लोग रहते हैं जहा जो कि आइलैंड इनहेबिटेड है उन रिसोर्ट्स में भी हम यहाँ पर लेकर अलाउ करेंगे रेसिडेंस रेसिडेंट्स का कहना यह है कि हमारा जो आइलैंड है यहाँ पे अगर आज की हम कंडीशन देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ लेकर बैन है अगर आप रिजोर्ट्स में उन रिसोर्ट्स में लेकर अलाउ करते हैं जो कि इनहेबिटेंट है जहाँ पे लोग रहते हैं उन दस आइलैंड में अभी आप लेकर अलाउ करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की आदत बिगड़ जाएंगी लीकल का सेल जो है आइलैंड में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जो कि अभी एक नियर प्रोहिबिशन कंडीशन में है तो ये उनके रेजिडेंट्स की आदत जो उनके यंग पॉपुलेशन है उनकी आदत बिगाड़ देगी तो इसी को देखते हुए रेसिडेंट इस एक स्टेप का भी यहाँ पर विरोध प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक और इम्पोर्टेंट बात जो है लॉ रिफॉर्म्स के अलावा जो है अगर हम दिसंबर तक लक्षद्वीप के अगर हम कोविड पेशेंट्स काउंट देखें तो ये ग्रीन जोन का इसे टैग मिला हुआ था और यहाँ पर जितनी भी लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनका कंपल्सरी आर टी पी सी आर टेस्ट का प्रोविजन था लेकिन दिसंबर के बाद में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड एस जो है उसने काफ़ी ज़्यादा एक रिलैक्सेशन दे दिया जिसके कारण अगर हम आज के नंबर्स देखें तो 7000 का जो मार्क है एक्टिव केसेस का वो क्रॉस हो चुका है लक्षद्वीप में उसके अलावा यहाँ पर अराउंड अराउंड ट्वेंटी एट डेथ्स भी डेथ भी हमें देखने को मिलती है कोविड 19 से रिलेटेड तो इन सारे जो हम लॉ रिफॉर्म्स है और ये जो सारे जो रैपिड यहाँ पर चेंजेस लाए गए हैं उसको देखते हुए यहाँ के खासकर जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल पटेल इनका काफी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे यूनियन टेरिटरीज है तो इनको गवर्न करने का जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे हमको पता है बीजेपी है तो बीजेपी की जो यूनिट है लक्षद्वीप की इवन उनके जनरल सेक्रेटरी ने भी यहाँ पर जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल की तरफ उसका प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने भी एक लेटर यहाँ पर गवर्नमेंट को लिखा है तो चलिए आगे आने वाले समय में देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने जो फैसले है उस पर बना रहता है क्या जस्टिफिकेशन देता है जो लॉ रिफॉर्म्स लाए हैं उनका और लोगों का क्या यहाँ पर बोलना क्या प्रोटेस्ट ये कंटिन्यू रहते ये तो आगे आने वाले समय में हम जानेंगे तो चलिए मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद अपना और अपनों का ख्याल रखिए स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो